कुछ इस तरीके से पानी थोड़ा ही बच रहा है और काफ़ी हैवी ड्राइवर हैं भैया और अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। और कुछ रिएक्शन कुछ इस तरीके से और सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है और हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे और हम लोग नीचे आ जाते हैं और मज़ा भी आया बोट राइडिंग पे। तो गाइस तो हम लोग अब चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सरवन जी की प्रतिमा है, तो फिर हम लोग वहीं पे चल रहे हैं और वहाँ का सीन रिकॉर्ड करते हैं और चलते हैं वहाँ पे कि सोच रहे हैं अंदर जाएं कि या ना जाएं, लेकिन पार चल के देखते हैं अंदर, पूछ ले भाई लोग अंदर चलें हैं, चलो आओ चलते हैं अंदर ही चलते हैं और अंदर का जो सीन है वो अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल देखते हैं अंदर का सीन कैसा क्या है और फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू कुछ किस तरीके से है और कुछ इस तरीके से है व्यू बाहर का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी बार मैं आया था तो इसमें से इतना तो अच्छा नहीं बना था ये, और अब की बार आया हूँ तो अब की बार अच्छे से बना है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का सीन कुछ इस तरीके से है और चलते हैं अंदर का भी देखते हैं कैसा रहता है। और ये बाबा नागादास जी कुछ इस तरीके से हैं और जहाँ पे ये जो मेन प्रतिमा है सरवण जी की वो कुछ इस तरीके से है, जैसा कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। और जितने भी पार्ट को एक्सप्लोर किया अगर सुने उसमें से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर यहाँ पे इधर जो जोधपुर बाकायदा है ये, मतलब जैसे कोई दूर से आता है तो उसको रुकने के लिए या रात हो जाता है तो वहाँ पर सो जाए, क्योंकि जो ये मेला है ये करीब 7 से 8 दिन तक रहता है, तो जहाँ से जो दूर से जो लोग आते हैं तो वो लोग यहाँ पे रुकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग चंदन के पास और वो आया नहीं हम लोग के साथ, देखते हैं क्यों आया नहीं। और यहाँ से जितना बाहर का जो व्यू है वो उसको रिकॉर्ड करता हूँ अच्छे से और एक्सप्लोर करता हूँ। और गाना चल रहा है यार, इसी वजह से उधर बनाने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि ना वो क्या बोलते हैं कॉपीराइट आ जाएगा। और तो फिलहाल गाइस अब हम लोग आ रही है आजमाएंगे, ये खेल आजमाएंगे। भाई 10 का कितना चल रहा? 10 का 5 है, जब पूरा जाएगा तभी मिलेगा ना। चलो आजमाओ। पैसा दो पहले, पैसा 10 लीजिए इसमें से। अभी तो उछला था, आराम से रुक जाओ। और रुक जा, उधर जाना मुझे। और भाई हट जाओ एक बार। चलो ओ यार एक मिस हो गया, आराम से नचा के। ओ यार ये भी चला गया, ऐसे पे को ऐसे। यार ऐसे फेंको यार, हाँ चूतिया हो ताले। तो ये कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर से सुपर ड्रैगन चल रही है और इधर भी झूला लगा हुआ है, तो हम लोग तो उधर ही झूल चुके हैं तो इधर झूलेंगे नहीं और फिर चलते हैं मेले को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। तो फिलहाल गाइस आ गए हम लोग मार्केट में और इधर पर्स और बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी लगे हुए हैं और इधर भी लेडीज़ का जितना सामान क्या। और हम लोगों को पूछते हैं भाई वो कितने का चश्मा है, चश्मा कितने का,
ये वाला हाँ है 90 रुपये का, 90 रुपये का एकड़, जो कि हमारे बजट से बाहर है, हम लोग ले नहीं सकते। और चलते हैं अंदर का जो पार्ट रहेगा वो भी टोटल, और कुछ यहाँ सेल भी लगी हुई है 10 रुपये बच्चों का माल लगा हुआ है। फिलहाल मैं ठंड वाला टोपा को मिल जाता है उसको लेता हूँ, फिलहाल वो मिल नहीं रहा है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि अगर मिल जाता है तो उसको मैं खरीदूँगा, तो मुझे दिख नहीं रहा है। और फिर से आ गए हम यहाँ पे खजले के पास, और मुझे चाहिए टोपा ठंड में, ठंड रोकने के लिए। तो फिलहाल इधर उधर उधर उधर, और अगर आपको लेना भी है तो आप आ सकते हैं, जैसे अगर जूता ख़रीदना हुआ या वगैरह वगैरह, सब कुछ अच्छे रेट पे मिलता है यहाँ पे। तो चलता हूँ दिखाता हूँ मैं, और एक बार मैं जितने भी शूज़ लगे हुए हैं उसका रेट पूछता हूँ मैं कितने का रोज़ है, और इधर जितने भी लेडीज़ है और इधर जेंट्स का है, जेंट्स का भी है लेडीज़ का भी है, और फिर और देख सकते हैं आप और हम लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, फिर देखते हैं, फिर अगर जाने को मिल जाता तो ठीक है। अरे निचवा कर बे वो यार आगे वाला कैमरा, फुल पावर बोलो मचाएंगे बोलो। तो चलते हैं आगे का पार्ट, जो कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं सूच जेंट का एक बार रेट कन्फर्म करते हैं, और सूच का रेट कन्फर्म करते हैं भाई। वो वाला सूज कितने का है? हाँ 400 का टोटल, सभी 400 350। कितने नंबर है वो? 9 नंबर। तो फिर रेट जो कुछ है 350-400 के बीच आसपास में है, तो आप देख सकते हैं। और ये सूज भी अच्छा भी लग रहा है ये अंदर से, और मुझे ये पसंद नहीं है, ये तो मैं लूँगा नहीं, पसंद नहीं है। तो फिर आगे देखता हूँ और किसी दुकान पे। तो रेट तो फिक्स ही हो गया कि मतलब 300-350 के बीच में है, और प्रोडक्ट भी अच्छा है वैसे, ज़्यादा कुछ है जहाँ जितना भी था मीडियम सभी अच्छा था। और इधर लेडीज़ का फिर ट्यूटोरियल है, और अगर आपको टैटू बनवाना हो तो टैटू बनवा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ चंदू भाई मेरा टैटू बनवा सकता है, बनाओगे? तो फिर चलते हैं हम लोग आगे से, और आगे का कुछ पार्ट एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और झूले का व्यू कुछ इस तरीके से है, तो ये व्यू कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर बच्चों के कूदने के लिए, फिलहाल तो हम लोग कूद नहीं सकते, अगर हम लोग कूदते तो मैं भी जाके कूदता उधर, मज़ा एंजॉय करता। उधर ब्रेक डांस है जैसा कि, और अगर आप कुदाल या फावड़ा खेत से संबंधित इतने भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और मतलब अच्छे ही रेट पे मिल जाएगा पूरा टोटली जितना कुछ भी है। और किचन से रिलेटेड या वगैरह वगैरह ये सब तो हम लोग का काम का है नहीं, फिर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो वो ले सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी ले सकता है, आपको टैटू बनवाना है तो टैटू आप बनवा भी सकते हैं। और कितना रूज कितना ले रहे हैं भैया, कितना ले रहे हैं? हाँ इधर टैटू बनवाने कितना ले रहे हैं, मतलब बनवाने की हिसाब से फिक्स रेट नहीं है? जैसे मान लीजिए अगर इसका बनवाते हैं तब कितना? 300। तो हम लोग के बजट में है नहीं, हम लोग बनवा नहीं सकते 300। क्या लिखा है वो? ओ शिट, नेहा लिखा गया है, तो हम लोग नेहा नहीं लिखवाएंगे ना। आ जाओ भैया, खल्ला कैसे है? 50 का एक किलो कैसे? किलो किलो नहीं बिकता वो भी, सभी 100 का 1, ये 50 का 1। दो पैक कर दो,
तो आप ले सकते हैं। ये 50 का एक है और 100 का दो है। ये तो मैं ये 100 का ये पैक कराता हूँ और 50 का एक। गाइस चलते हैं हम लोग। और ये भैया मिल गए हैं, ला भैया लेके चले, ले चले। हमारा काम क्यों आप करेंगे? अरे कर सकते हैं ना भाई, हेल्प तो कर सकते हैं ना, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है? आज कितने दिन से आए यहाँ पे? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया आज तो? मतलब कहाँ सोते हैं, कहाँ सोते हैं? मंदिर पे सो जाते हैं। मंदिर पे सो जाते हो? और धंधा अच्छे से चल रहा है ना, बिक रहा है अच्छे से? नहीं, बहुत बढ़िया बहुत रहा है। तो ये भैया का बैलून है, तो आज कितना बिका होगा लगभग, कितने पीस? तो करीब 10-20 बिका। 10-20 बिका है? कितने रेट होगा? 10 रुपया। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं, ये भैया का 10 ही पीस दिन भर में बिका है। और मतलब काफ़ी टहल रहे हैं, थक भी गए होंगे। तो कुछ खाए हुए कि नहीं? नहीं, नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता किए हैं? अगर नहीं किया तो आइए करा देते नाश्ता। नहीं किए। नाश्ता किए हैं? जानकारी है, यूट्यूब पे भेज दो भाई। बोलो बोलो। माल मिलेगा प्योर, चाहे भाजी खाए चाहे देवर, मजा ना आए। खाने में नाम लिखा दो थाने में, आपका ध्यान किधर है? नमकीन की दुकान इधर है। 10 रुपया तोला भर किलो या झोला, माल है प्योर, चाहे भाजी खाए चाहे देवर। हाँ भैया, मजा ना आए। खाने में नाम लिखा दो अकबरपुर के थाने में, बस 10 तोला। 10-20-30 अभी पहुँचा दिया, चारों तरफ शेयर कर दिए। हाँ जी, आज है कल गाजियाबाद है, मेला हो गया, शेष कंपनी जाएगी अपने देश। ये बीकानेरी नमकीन है राजस्थान वाले भाई की। पलट, तेरा ध्यान किधर है? नमकीन की दुकान इधर है। हाँ भैया, बाबा 20 के 100 ग्राम सब चाय जो ले, आपकी दुकान है 50 ग्राम ले जाते हैं। अच्छा बाबा, तो गाइस मेले का जितना भी पार्ट था वो अच्छे से एक्सप्लोर किया, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मैं ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।